सीमेंट से आज मैं एक क्यूट सा मिनी टेबल बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड के बॉक्स लिए हैं। इस मेजरमेंट का बॉक्स नहीं था तो कार्डबोर्ड को कट करके मैंने इस बॉक्स को बनाया है, और ये प्लास्टिक की छोटी बॉटल ली है जो टेबल के पैर बनाने के काम आएंगी। ये बॉक्स ज़्यादा ही लंबा था तो इसे मैं कट करके छोटा बना रही हूँ। दोनों ही बॉक्स के गैप को हमें हॉट ग्लू से अच्छे से भरना है ताकि सीमेंट का घोल बाहर ना निकले। मजबूती के लिए मैंने लोहे की तार को इस तरह बिछा दिया है। सीमेंट और पीओपी को मैंने समान अनुपात में लेकर पानी डालकर इस तरह पतला घोल बनाया है, और जैसे ही मैंने ये घोल बॉक्स में डाला वैसे ही सभी तार इधर उधर सरक गई। टेबल पर मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, इसलिए इस तार को सही जगह पर रखना ज़रूरी है। इस तरह मैंने कैंची से ऑपरेशन करके तार को बाहर निकाला और फिर से इसे अच्छे से अरेंज किया। ये बहुत जल्दी सूख जाता है। इस बॉक्स में मैं सीमेंट और पीओपी के घोल की आधे सेंटीमीटर की परत बने इतना ही घोल डाल रही हूँ। इस परत को सूखने के बाद इसमें टेबल को सेंटर में रखते हैं। बची हुई जगह में सीमेंट पीओपी का घोल डालेंगे। सैंड पेपर से टेबल को घिसकर प्लेन करेंगे। टेबल की इस तरह डिज़ाइन चाहिए थी, इसीलिए मैंने दो कार्डबोर्ड बॉक्स का उपयोग किया है। नुकीले कटर से मैं इस पर इस तरह डिजाइन बना रही हूँ। कलर लगाने से पहले मैं वाइट एक्रेलिक कलर का एक बेस कोट लगा रही हूँ। सबसे पहले ब्लू कलर का डार्क शेड लगा देंगे और टिश्यू पेपर या कपड़े से पोंछेंगे। डिज़ाइन के गैप में डार्क शेड का कलर लगे, इसीलिए मैंने ये शेड लगाया है। इसके बाद ब्लू कलर का थोड़ा लाइट शेड से कलर करेंगे।
इस DIY के लिए हमें पहले कार्डबोर्ड का साँचा बनाना है। सीमेंट का घोल बाहर ना निकले इसीलिए सभी गैप को हॉट ग्लू से अच्छे से भरना है। ये मैंने बॉटल का ढक्कन लिया है, इसमें दिया एकदम फिट हो रहा है। इस ढक्कन को हॉट ग्लू से सांचे में चिपकाते हैं। सीमेंट का घोल डालेंगे तब ये ढक्कन इधर उधर सरकेगा नहीं। बॉटल के ढक्कन का मैंने उपयोग तो किया पर ये आसानी से निकल नहीं रहा था। बॉटल के ढक्कन की बजाय क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं दूसरा दिया बनाते समय बताऊंगी। मैं इस दिया को चाकू से गोल आकार दे रही हूँ। ये थोड़ा गीला रहता है, तब इस पर काम करेंगे तो शेप देने में आसानी होगी। दूसरा दिया बनाने के लिए मैंने ये प्लास्टिक का फूड कंटेनर लिया है। बॉटल के ढक्कन के बजाय मैं दिया के नाप का कार्डबोर्ड का साँचा बना रही हूँ। हॉट ग्लू से इसे बीच में चिपकाएंगे। हमने कार्डबोर्ड का साँचा बनाया तो ये बहुत आसानी से निकल गया और दिया की डिजाइन भी खराब नहीं हुई। दोनों दिया को सैंड पेपर से प्लेन करते हैं। ये देखिए, इस दिया में मैंने बॉटल के ढक्कन का उपयोग किया। ढक्कन निकालते समय इसके किनारे खराब हो गए। दोनों दिया पर मैं एक्रेलिक कलर से कलर कर रही हूँ। ये डॉट बनाने के लिए मैंने पेन की रिफिल और ब्रश का उपयोग किया है। हमारे तीसरे DIY के लिए मैंने ये फैंटा की कांच की बॉटल ली है। इसका शेप बड़ा ही अच्छा है। इस तरह की कोई भी बॉटल आप ले सकते हैं और ये दही का प्लास्टिक कप है। वाइट एक्रेलिक कलर के दो कोट लगाएंगे तो इसका स्टिकर पूरी तरह छिप जाएगा। वाइट कलर अच्छे से सूख गया है, अब इस पर कलरिंग का काम करते हैं। बॉटल पर मैं एक प्यारी सी ट्रेडिशनल डिजाइन बना रही हूँ। बॉटल की सजावट के लिए मैंने बस कलर का ही उपयोग किया है।
इसमें आप प्लांट भी रख सकते हैं या ऐसे ही शोपीस की तरह रख सकते हैं। अब दोनों भागों को हॉट ग्लू से जोड़ते हैं। डिज़ाइन बनाने में आसानी हो इसलिए मैंने इन्हें पहले से चिपकाया नहीं था।